ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 9 क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी सॉल्व करेंगे। इन ट्रायंगल पीक्यूआर राइट एंगल एट क्यू एंड पीआर प्लस क्यूआर इज इक्वल टू 25। ऐसे तो सभी को क्वेश्चन देख के सॉल्व कर लेंगे, बट मैं बता दे रहा हूं पीआर प्लस क्यूआर। पीआर कहां पर, ये हाइपोटेन्यूज प्लस QR, ये परपेंडिकुलर का सम जो है 25 है। इसमें से कोई एक वैल्यू लेट कर लो, कोई भी लेट कर लेते हैं, PR इज इक्वल टू X। PR की वैल्यू मैंने X लेट कर ली, तो अब इसी पे पुट करो, तो X प्लस QR इज इक्वल टू 25। इस कंडीशन में आपने QR की वैल्यू फाइंड कर ली 25 माइनस X। ये QR की भी वैल्यू होगी, PR की भी वैल्यू होगी, और कोई वैल्यू गिवन भी है, PQ गिवन है कितना 5। ये तो पता ही है ना, एक 12 हो गए, एक 12 होगा, एक 5 होगा, एक 13 होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ओके चलिए, ये बेटा हो गया। अब हमको फाइंड करना है साइन पी कॉस पी टेन। इसके लिए सबसे पहले हम इसको फाइंड कर लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर, अभी मैंने वैल्यू फाइंड किया PR भाई कहाँ भाई, मैंने लेट कर लिया था PR को, मैंने लेट कर लिया था X स्क्वायर। QR ये 25 माइनस X होल स्क्वायर प्लस PQ 5 स्क्वायर। ओके सो X स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B होल स्क्वायर। तो A माइनस B होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 25 स्क्वायर 625 प्लस X स्क्वायर माइनस 2AB, तो 2 इंटू 25 50X प्लस 5 स्क्वायर। ओके So, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये आपका जीरो यहाँ पे रहेगा 625 एंड प्लस 25 माइनस 50x। ओके तो ये माइनस 50x को इधर ले आते हैं, 50x इज इक्वल टू 650, सो x इज इक्वल टू 650 अपॉन 50, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 13, x की वैल्यू आ जाएगी 13। तो बेटा ये हो गया 13, ये हो गया 12, ये हो गया आपका 5। सारी वैल्यू फाइंड हो गई। अब जो भी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, जैसे साइन पी, साइन पी, तो एंगल पी के लिए साइन चाहिए, इसके लिए तो इसके लिए अपोजिट साइड साइन चाहिए, अपोजिट साइड क्यू आर, क्यू आर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितना है भाई, क्यू आर की वैल्यू 12 अपॉन 13, ये हो गया हमारा साइन पी। ओके ऐसे अब हमें दूसरी वैल्यू फाइंड करनी है कॉस पी, कॉस पी, तो ये हो जाएगा आपका एडजेसेंट साइड P के लिए, एडजेसेंट पी क्यू अपॉन पी आर भाई, पी क्यू अपॉन पी आर, तो 5/30। एंड नेक्स्ट वैल्यू है टेन पी, पी के लिए ही सारी बातें हैं हमारे पास, टेन पी, तो टेन पी हो जाएगा, इसी में देख लेते हैं ना, साइन पी अपॉन कॉस पी, 12/13 अपॉन 5/13, तो ये हो जाएगा 12/5, ये वैल्यू हम लोग राइट कर लेते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन। ओके okay?